नहीं थम रहा सरायकेला में पीडीएस डीलरों की मनमानी। गरीबों के अनाज पर कुंडली मारकर बैठे पीडीएस डीलरों को नहीं है किसी का डर। गम्हरिया प्रखंड के शोभापुर में पीडीएस दुकान में बड़ी गड़बड़ी, 3 महीने से नहीं मिल रहा राशन, कार्डधारी परेशान। सरायकेला जिले के पीडीएस डीलरों की मनमानी से गरीब उपभोक्ता बेहाल है। हैरान करने वाली बात ये है कि इन डीलरों को न तो सरकार का खौफ है न विभागीय अधिकारियों का। शायद ही कोई महीना होगा जब पीडीएस डीलरों की मनमानी की शिकायत नहीं आती है, मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चिंता का विषय है। गरीब लाभुक आखिर जाए तो जाए कहां। ताजा मामला गम्हरिया प्रखंड के शोभापुर गांव से सामने आया है, जहां मां दुर्गा महिला समिति पीडीएस डीलर द्वारा बीते 3 महीनों से लाभुकों को राशन नहीं दिया जा रहा है। कार्डधारियों का आरोप है कि सितंबर और अक्टूबर महीने का बायोमेट्रिक लिया गया है, लेकिन राशन नहीं दिया गया। पीडीएस विक्रेता ने ऊपर के आदेश का हवाला देकर बताया कि ऊपर से ही राशन सप्लाई नहीं किया गया है, जब सप्लाई होगा तो राशन दे दिया जाएगा। वहीं पीडीएस डीलर का यह भी कहना है कि हर महीने राशन दे दी जाती है, लेकिन बीते सितंबर और अक्टूबर महीने का राशन ब्लॉक स्तर से ही उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिस वजह से राशन देने में असमर्थ है। हमने ब्लॉक के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने भी अब तक कार्रवाई नहीं की। अब सवाल ये उठ रहा है कि गम्हरिया ब्लॉक अंतर्गत संचालित कई पीडीएस विक्रेताओं द्वारा हर महीना राशन दिया जा रहा है, तो समस्या केवल शोभापुर गाँव में ही क्यों? आखिर गरीबों का अनाज गबन करने वाला कौन है? बहरहाल ये तो जांच का विषय है, आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि जांच करेगा कौन। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए विपिन वार्ष्णेय की रिपोर्ट। तो ये कि सितंबर अक्टूबर का बायोमेट्रिक किया हुआ है, उसका हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये किए हैं। और अभी नवंबर का जो आया है उसमें लोग बोला कि बिना बायोमेट्रिक का राशन नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग पता करने के लिए ये कर रहे हैं कि ऊपर से आया है कि नहीं आया है। ये लोग बोल रहे हैं कि जो ये राशन वितरण कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ऊपर से हम लोग को नहीं आया है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? तो इसीलिए आप लोग थोड़ा पता कीजिए कि ऊपर से आया है कि नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर जितेंद्र महतो। दाना महतो, गांव का नाम है शोभापुर, डीलर का नाम है मातुर का महिला समिति शोभापुर। अच्छा, हम लोग का पता नहीं, हम लोग का 2 महीना का चावल नहीं मिला, हम लोग तो पंचिंग किए हैं के बारे में। अच्छा, आप लोग को किसके द्वारा बताया गया था कि आप लोग बायोमेट्रिक करवा लीजिए, जबकि आप लोग के पास राशन नहीं था? आप लोग गांव वालों को राशन नहीं दिए लेकिन बायोमेट्रिक करवा लिए, और 2 महीना से? अच्छा, नहीं मिला था इसलिए हम लोग करवाए, बायोमेट्रिक करा लिया। हाँ, नहीं था। और 2 महीना जो अब राशन नहीं मिला, अब आप लोग जो ऊपर उधर आने से देंगे बोला गोदाम में, तो हम लोग कर दिए। हाँ, आने से दे देंगे, लेकिन खत्म हो जाने से हम लोग कहाँ से देंगे उधर, वही बोल के हम लोग पंचिंग कराए। तो 2 महीना का नहीं दिए, उसके बाद आप लोग अभी का दोनों का करवाए अगस्त। इस चीज को लेके कोई उच्च पदाधिकारी को आप इसका लेके कंप्लेन किए थे क्या? हाँ, गोदाम में तो जाते हैं, फिर उधर बोलते हैं तो हाँ देंगे। क्या कुछ बताया गया वहाँ से पदाधिकारी द्वारा, क्या बताया गया कि आने से दिया जाएगा? अच्छा, अभी तक तो वही बोल रहा है आने से देंगे, क्या करेंगे हम लोग। ग्राम शोभापुर। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या यही है मेरा, जो मतलब हम अप्लाई किए थे, ग्रीन कार्ड हुआ है, तो मेरा आशा है कि हम मेरा मतलब जिस लेवल पर हम है अभी, उस आशा से मेरा जो ये है ओई वाला कार्ड होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि मेरा राशन का क्या कुछ समस्या है? राशन का जैसे कि अभी 3 महीना का राशन दिलवाए थे, आया है, लेके गए हैं। 3 महीने का बायोमेट्रिक कर लिए हैं? हाँ, फिंगरप्रिंट कर लिए हैं ना? कर चुके हैं, लेकिन राशन नहीं मिला आपको? हाँ, 2 महीने का राशन नहीं मिला? राशन 2 महीने का इससे पहले नहीं मिला है। अच्छा, ऐसे तो फिर और मतलब उतना याद भी नहीं है। क्या कुछ बताया जा रहा है जब पूछ रहे हैं तो? आता नहीं है बोल के ऐसे ये नहीं आया है बोल रहे हैं। अरे, फिंगर इससे पहले भी मतलब करने आते हैं तो बोलता है कि फिंगर मतलब करते हैं, फिर उसके बाद वो पहले वाला महीना नहीं उठेगा, बोलो डेट पार कर चुका है, नहीं होगा, उठेगा नहीं। क्या नाम हो आपका? कौशल्या महतो।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।